अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो है फ्रूट चाट। आज हम चेंज फ्रूट चाट बनाएंगे। रमज़ान के लिए बहुत ही हेल्दी और बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है और ये आपने इफ्तार में ज़रूर बनाना है। मुझे ज़रूर फीडबैक देना है कि ये आपका कैसा बना और कैसा लगा आपको, ठीक है? अच्छा जी, इसके लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। सेब ली है मैंने, केला लिया है, अमरूद, चने, खजूर और ये किशमिश, दही और ये चीनी, नमक और दूध, ये सारी चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सा आपका जो है फ्रूट चाट बनने वाला है, क्रीमी क्रीमी सा बनेगा। दही वाला फ्रूट चाट आप लाजमी खाएं और बहुत ही हेल्दी होता है सेहत के लिए, ठीक है? अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल ले लेना है, ठीक है? इसमें हमने सारे फ्रूट्स जो मैंने काटे हुए हैं वो सब के सब शामिल कर लेंगे। ये देखो, ठीक है, ऐसे। और दही ठंडा लेना है आपने, बना के ना इसको आधा घंटे पहले फ्रिज में रख देना, ये ऊपर वाले फ्रिज में। ये ठंडा ठंडा बहुत ही मज़ेदार बनता है और ऐसे लगता है कि जैसे क्रीमी क्रीमी सा है, ठीक है? ये हमने मिक्स कर लिए, अब हम दही बनाते हैं। और ये देखिए, इसको पहले मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया। इसमें अब हमने चीनी शामिल करनी है, बस इतनी सी, ज़्यादा नहीं शामिल करनी, थोड़ी सी चीनी मिक्स करनी है। दूध, ये देखें, ये मैंने इतना सा दूध लिया है, ये देखें, ये वाला जो कप है छोटे वाला है ये मैंने हाफ लिया है, ठीक है? इससे ना दूध डालने से क्रीम वाला टेस्ट आता है दही फ्रूट चाट में। नमक एक चुटकी के बराबर, हसबे जायका लेना है, ठीक है? इस सबको आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हमने इसको इसमें शामिल कर देना है। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही अच्छा है, रमज़ान के लिए स्पेशल है, अफ्तार के लिए, क्योंकि रमज़ान में वीकनेस हो जाती है पकोड़े समोसे खा खा के, तो इससे ये होता है कि आप कि जो वीकनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। और दही में तो वैसे ही इतना अच्छा टेस्ट आ जाता है, आप ये बनाएंगे आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने क्रीम बनाई है। ये देखिए, ये हमारा फ्रूट चाट बनकर तैयार हो गया है, ठीक है? फल आपने अपनी पसंद के मुताबिक लेने हैं, इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है? ये देखिए, बिल्कुल ही देर नहीं लगी। चलिए अब हम इसकी डेकोरेशन कर लेते हैं। ये केले मैंने काट के रखे हुए थे, ये इसके ऊपर हम कुछ केले लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से, आपने ज़रूर ट्राई करना है। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, ठीक है? अब हम इसमें अमरूद डाल देंगे, ये देखिए। अब हमें इसके ऊपर खजूर और किशमिश, ठीक है? ये हमारा फ्रूट चाट बनकर तैयार हो गया। ये देखिए, ये मैंने इसकी खजूर के साथ इसकी डेकोरेशन कर दी है। ये देखिए, अच्छा जी, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।